हिंदू धर्म सदैव प्रकृति की पूजा करता रहा है, जो आज भी जारी है। आज वट सावित्री व्रत अमावस्या है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है और वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती है। पूजन के उपरांत यही पति अगले 7 जन्मों तक मिले, इसलिए 7 परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष पर धागा बांधती है। मान्यता है कि आज ही के दिन माता सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान का जीवन यमराज से वापस मांग लिया था, तभी से यह व्रत किया जाता है। आज संसार में लिव इन रिलेशनशिप जैसे टेम्पररी साथ का चलन बढ़ रहा है, जिसके बहुत दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। इस दौर में भी भारतीय संस्कृति है जिसमें पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और 7 जन्मों का साथ मांग रही है। क्या किसी और संस्कृति में है अगले 7 जन्मों का साथ मांगने वाली परंपराएं और त्यौहार जो हमारी भारतीय संस्कृति? वट सावित्री पूजा पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं और है ना व्रत भी रखते हैं और इस दिन 7 धागा बांध के पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। ये वट अमावस्या की अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं ये व्रत सुबह से, और अपनी सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, 108 परिक्रमा लगाते हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनोकामना करते हैं। माता व्रत भी करते हैं? हाँ, व्रत भी करते हैं जी। वट सावित्री अमावस्या है आज, उसकी पूजन हो रही है। क्यों होती है जी? पति की आयु बढ़ाने के लिए। कैसे करते हैं पूजा? कुछ नहीं, ये वट पीपल की पूजन होती है, इसमें सब चीज़ें लाते हैं, पूरी हलवा और सुहाग का सामान, ये सब चीज़ें।